हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत करता हूँ आपका और एक नए ब्लॉग में। कबड्डी रिलेटेड थोड़े न्यूज़ आए तो वो मैं सोचता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ क्या हुआ। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो जो कबड्डी के चाहते हैं, जो कबड्डी से प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। तो आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है, वो न्यूज़ क्या है। तो पहली खबर ये है कि महाराष्ट्र एंड रेलवेज़ के कबड्डी प्लेयर श्रीकांत जाधव, जो 16 सीनियर नेशनल में गोवा की तरफ से खेले थे और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनकी हो गई एंगेजमेंट। तो उनको और उनकी होने वाली वाइफ को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि पटना पायरेट्स ने दो न्यू एडिशन किए उनके स्क्वाड में। सुकेश हेगड़े जो ऑक्शन में अनसोल्ड हुए थे, उनको पटना पायरेट्स ने ऐड किया है। एंड अक्षय बोर्ड के जो महाराष्ट्र पूना से बिलोंग करते हैं, उनको भी पटना पायरेट्स ने उनके स्क्वाड में इन किया है। तो ये दो एडिशन हुए हैं न्यू पटना पायरेट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो प्रो कबड्डी स्टार्ट होने वाली थी अक्टूबर एंड में, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो कबड्डी लवर्स के लिए खुशखबरी ये है, जो प्रो कबड्डी सीज़न 9 अक्टूबर एंड में चालू होने वाला था, वो 7 अक्टूबर से चालू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कबड्डी लवर्स के लिए। और इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ भी है कि जो प्रो कबड्डी चालू होने ओनली इंडिया के 3 सिटियों में होने वाली, ओनली पुणे, बेंगलोर एंड हैदराबाद, ऐसी 3 जगहों पे प्रो कबड्डी होने वाली है। बाकी इंडिया के कोई सिटी में नहीं होने वाली, कोई स्टेट में नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कबड्डी लवर्स के लिए। बैड न्यूज़ ये है कि जो पुणे में रहते हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं, वही वहाँ पे देखने जा सकते हैं लाइव। जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, बॉम्बे से हो गए, अहमदाबाद से हो गए, सब जो इंडिया के अलग अलग सिटीज़ है, स्टेट्स है, वहाँ से लोग कैसे जाएंगे, उनको कैसे देखने मिलेगा। टीवी पे देख सकते हैं, उनका टीवी पे उसका लाइव प्रसारण होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स पे और हॉटस्टार पे। बट जो 12 प्रो कबड्डी टीम्स है, उनके हर किसी का अपना होम ग्राउंड रहता था, होम ग्राउंड में उनके मैचेस होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होएगा। तो जो वहाँ की क्राउड है, वहाँ का जो कबड्डी लवर है, वो कहाँ पे जाएंगे देखने। हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स पे तो उनको देखने मिलेगा ही, लेकिन जो पहले मज़ा था, जो लाइव देखने मिलती थी, वो भीड़ नहीं देखने मिलेगी। ओनली पुणे, बेंगलोर एंड हैदराबाद, यहीं पे प्रो कबड्डी होने वाली है। तो आपको नहीं लगता कि ये कबड्डी लवर्स पे अन्याय हो रहा है, क्योंकि सब रिस्ट्रिक्शन हट चुके, कोविड का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जा चुका है, तो ये फिर क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट ईयर भी जो प्रो कबड्डी हुई थी वो इंडोर स्टेडियम में हुई थी, लास्ट ईयर भी किसी को अलाउ नहीं था, इस बार अलाउ है, लेकिन ओनली 3 जगहों पे। क्रांतिवीरा इंडोर स्टेडियम बैंगलोर में होने वाले जो पहली जगह है, सेकेंड जो स्टेडियम है शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में होने वाला है। एंड जो थर्ड की हम लोग बात करेंगे, गुच्ची बावली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद, ऐसी सिर्फ 3 जगहों पे होने वाला है। तो गुड न्यूज़ ये है कि प्रो कबड्डी स्टार्ट हो गई है और पब्लिक को लाइव देखने का मौका मिलेगा, बट ओनली 3 जगहों पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट हाफ या 6 कम से कम 6 जगहों पे या कम से कम 8 जगहों पे अगर चालू करते तो बहुत लोगों को देखने का मौका मिलता। तो लेट्स सी, देखते कैसा होता है, ये 3 जगह ही रहती है कि और आगे बढ़ेंगी। अभी तक प्रो कबड्डी का शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही शेड्यूल आएगा, कुछ भी अपडेट आएगी तो आप तक पहुँचाऊँगा मैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, न्यूज़ इकट्ठा करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि सिर्फ ओनली वीडियो देखते और चले जाते, ना लाइक करते ना शेयर करते। मैं भी आप जैसे कबड्डी लवर हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। जो जो मैचेस मिलेंगे, इंडिया के लोकल मैचेस, नेशनल, स्टेट, जितने मैचेस आएंगे वो आपके लिए लाइव या रिकॉर्ड करके आपके लिए डालता रहूँगा चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।